मेरे दोस्तों, जंगल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खतरनाक जीव जंतुओं का ख्याल आने लगता है जो पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है जो अपनी शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन एनिमल किंगडम में सिर्फ शेर ही सबसे शक्तिशाली जानवर नहीं है, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक जीव रहते हैं जिनमें से एक है गोरिल्ला। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शेर और गोरिल्ला आपस में टकरा जाए तो कौन जीतेगा? अगर आप भी शेर को बिना लड़ाई के विजेता समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गोरिल्ला भी काफी ताकतवर होता है। तो आइए जानते हैं कि जंगल का राजा शेर और बड़े आकार वाला गोरिल्ला आपस में लड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। जंगल के राजा शेर में एक ताकतवर शासक के सभी गुण मौजूद होते हैं। वो एक अच्छा शिकारी होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान और चतुर होता है। शेर एक सामाजिक जानवर है जो अपने परिवार और दल के साथ रहना पसंद करता है। वही किसी पर हमला या शिकार करने के दौरान भी शेर पूरी दल के साथ होता है। शेर दुनिया के अफ्रीका और आशियाई खंड में पाया जाता है। एक एडल्ट शेर की लंबाई 8 से 9 फीट हो सकती है। इसका शारीरिक वजन 200 किलोग्राम तक होता है। शेर के दांत 2.5 इंच लंबे और नुकीले होते हैं, जो शिकार करने में काफी मददगार साबित होते हैं। शेर लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसी स्पीड में यह किसी भी जानवर को आसानी से पकड़ सकता है। जंगल के इस राजा के पंजे बेहद मजबूत और घातक होते हैं, जो कि किसी भी मोटी चमड़ी पर निशान बनाने के लिए काफी है। शेर की खासियत है कि ये अपने बुद्धि और ताकत के दम पर अपने से दो गुना बड़े जानवर का भी आसानी से शिकार कर सकता है। अब बात करते हैं विशाल आकार वाले गोरिल्ला की, जो मुख्यतः साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के घने जंगलों में निवास करता है। दरअसल इस जीव को लंबे पेड़ों के बीच रहना पसंद है, जो कि इनके शरीर के आकार से आरामदायक होते हैं। एक एडल्ट गोरिल्ला 5.5 से 6 फीट की लंबाई तक बढ़ता है और इसका वजन 160 किलोग्राम तक होता है। गोरिल्ला इंसानों की तरह दो पैरों पर खड़े होने और चलने में सक्षम होता है, इसीलिए इसका मुकाबला कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आपने फिल्मों में विशाल आकार का गोरिल्ला देखा होगा जो गुस्से में आते ही सब कुछ खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन असल जिंदगी में गोरिल्ला इंसानों से दूर जंगल में पेड़ पौधे और फल खाकर खुश रहता है। हालांकि कुछ गोरिल्ला खाना ना मिलने की स्थिति में मांस भी खा लेते हैं। गोरिल्ला भी शेर की तरह एक सामाजिक जीव है। वो अपने परिवार और दल के साथ ही रहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोरिल्ला को सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, जिसका IQ लेवल इंसान के बाद सबसे तेज होता है। ए इंसान की तरह चीज समझने और उनकी तरह व्यवहार करने की भी क्षमता रखता है। शेर और गोरिल्ला की लड़ाई। यूं तो शेर के सामने आने की हिम्मत किसी जानवर की नहीं होती, क्योंकि वह एक ही हमले में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ शेर काफी आलसी भी होता है, जो दिन के लगभग 20 घंटे सोने या आराम करने में बिता देता है। वही इसके विपरीत गोरिल्ला बहुत तेज और फुर्तीला जानवर है, जो हर पल एक्टिव रहता है। एक तरफ जहाँ शेर के पास मजबूत पंजे होते हैं, वही दूसरी तरफ गोरिल्ला के पास मजबूत हाथ होते हैं। वो अपने हाथों का इस्तेमाल इंसानों की तरह करता है और किसी भी औजार को आसानी से चला सकता है। गोरिल्ला अक्सर पेड़ की लकड़ी या बड़े पत्थर फेंककर अपने दुश्मन पर हमला करता है। ऐसे में अगर शेर और गोरिल्ला का सामना होता है तो गोरिल्ला अपने हाथों से विशाल पत्थर फेंककर शेर पर हमला कर सकता है। शेर के पास दूसरी सबसे ताकतवर चीज है उसके नुकीले और बड़े दांत, जो मोटे मांस को काटने और हड्डियों को तोड़ने में मदद करते हैं। शेर हमले के दौरान अपने शिकार को गर्दन से पकड़ता है और अपने दांतों से उस पर हमला करता है। लेकिन एक एडल्ट गोरिल्ला से लड़ाई के दौरान शेर के लिए उसकी गर्दन पकड़ना या उस पर दांत से हमला करना काफी मुश्किल होगा। दरअसल गोरिल्ला अपना ज्यादातर समय इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। ऐसे में शेर को उसकी गर्दन तक पहुंचने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होगी। वही गोरिल्ला की गर्दन काफी मजबूत और बालों से ढकी रहती है। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके शेर को आसानी से पीछे की तरफ धक्का दे सकता है। गोरिल्ला के पास शेर की तरह नुकीले दांत
या पंजे नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास ताकतवर और विशाल शरीर होता है, जिसकी वजह से वह शेर पर भारी पड़ता है। गोरिल्ला के पास सबसे बड़ी चीज है उसका दिमाग, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी ताकतवर दुश्मन का सामना कर सकता है। आमतौर पर गोरिल्ला किसी जीव या जानवर पर हमला नहीं करता है, लेकिन जब बात अपनी या अपने दल की जान बचाने की होती है तो ये इंसानों पर हमला करने में भी पीछे नहीं हटते। फुर्तीला शरीर होने की वजह से गोरिल्ला शेर को कुछ ही देर में हरा सकता है। भले ही वो शेर का शिकार ना करे, लेकिन उसके हमले से आसानी से बच सकता है। शेर के पास बेशुमार बल है, लेकिन गोरिल्ला के पास बल के साथ साथ बुद्धि भी है, जिसकी मदद से वह जंगल के राजा को आसानी से हरा सकता है। हालांकि आज तक गोरिल्ला और शेर के बीच लड़ाई का अद्भुत नजारा देखने को नहीं मिला है। शायद इसकी वजह है कि दोनों जानवर एक दूसरे की ताकत से भली भांति परिचित है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बल और बुद्धि के मामले में बुद्धि की ही जीत होती है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी जीत सकता है। इसीलिए अगर शेर और गोरिल्ला की लड़ाई होती है तो यकीनन गोरिल्ला ही जीतेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों।